बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। शेख फाउंडेशन द्वारा आंखों की जांच के साथ चश्मे का लगाया गया कैप। निगोहा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसपुर ठट्टा गांव में सोमवार को शेख फाउंडेशन के द्वारा परसपुर ठट्टा गांव में लगाया गया कैंप, जिसमें कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहा, जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीणों ने अपनी आंखों की निःशुल्क जाँच के बाद मात्र 100 रूपये में चश्मे दिए गए। महिलाओं व बुजुर्गों ने आंखों की जाँच कराकर मात्र 100 रूपये में चश्मा मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी। प्रधान प्रतिनिधि माता दीन ने बताया कि ग्रामीणों की खुशी के लिए 5 वर्ष लगातार अपनी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के लिए नई नई खुशियां सरकार द्वारा व संस्थानों द्वारा ग्रामीणों को मदद मिलती रहेगी। इस मौके पर शेख फाउंडेशन के आंखों के कैंप ऑर्गेनाइजर नियाज अली खान, वाइस प्रेसिडेंट धीरज श्रीवास्तव व परसपुर ठट्टा प्रधान श्रीमती राजवती और प्रधान प्रतिनिधि माता दीन सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आपका नाम? माता दीन गौतम, प्रधान प्रतिनिधि परसपुर ठट्टा। आपके गाँव में जो है एक कैंप शिविर लगा हुआ है चश्मे का, तो क्या मामला है पूरा इसका? हमारे गांव में कैंप इसलिए लगा हुआ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और फ्री 100 रुपये का चश्मा और आंखों की जांच, जिससे लोगों को दिक्कतें हैं उनका सामना करने के लिए निजात किया जा सके। गांव में जो आपके शिविर लगाया गया है, तो लगभग यहां पर जो है ग्रामीण कितने आ गए होंगे अब तक? 70-80 ग्रामीणों ने फ्री चश्मा लेकर के अपना लाभ उठाया। अपनी ग्राम पंचायत में क्या ग्रामीणों को इसी तरीके से लाभ देते रहेंगे? मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते या हर महीने इस तरह ग्रामीणों को लाभ दिया जाना हमारा एक कर्तव्य बनता है। जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाख आपका लाभ। ये बताइए कि आज जो है परसपुर ठट्टा गाँव में जो कैंप लगाया जा रहा है किस चीज़ का है? मोहनलालगंज के परसपुर ठट्टा ग्राम पंचायत में जो आज फ्री आंखों का कैंप लगाया गया है, ये शेख फाउंडेशन एक एनजीओ है जो एक सामाजिक तौर पे लोगों के लिए काम करती है। तो संस्था के द्वारा और प्रधान जी के सहयोग से यहाँ पे एक फ्री आंखों की जांच का कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को फ्री मुफ्त आँखों की जाँच करके उनको केवल 100 रुपये में चश्मा दिया गया है। ये कैंप उन लोगों के लिए लगाया जाता है जो अपनी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो बहुत ही नीचे किस्म के लोग होते हैं, जो अपना महंगा इलाज नहीं कर सकते, तो वो कैंप में जाएं, अपना फ्री इलाज कराएं। सब सुविधा दे रखी है, गवर्नमेंट ने दे रखी है और एनजीओ ने दे रखी है, तो आएं, इसका लाभ उठाएं और अपना इलाज कराएं, फ्री में जाँच कराएं। चश्मे क्या तत्काल दिए जा रहे हैं? चश्मा तुरंत दिया जा रहा है आँखों की जाँच का। इसकी फीस कितनी है? मात्र 100 रुपये, अगर कोई चश्मा लेता है तो 100 रुपये। अच्छा, ये कैंप जो है ये बताइए कि मोहनलालगंज क्षेत्र में आज इसी गाँव में लगा है या किसी और गाँव में भी लगे हैं कैंप? नहीं, मोहनलालगंज के लगभग 50% गाँव में कैंप लगा चुके हैं हम लोग। काफ़ी जगह पे हमारा कैंप हो चुका है और आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम हमारा है कि जगह जगह पे स्लम्स एरिया जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। आपके कितने चश्मे हो गए होंगे लगभग? यहाँ पे आज लगभग 60-65 लोग ने यहाँ पे जांच कराई है, जो लोगों ने चश्मा प्राप्त किया। कुछ लोग ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनका बहुत ही जल्द मुफ्त ऑपरेशन कराया जाएगा आपको। अच्छा, ये शिविर जो लगाया गया है चश्मे का जी, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आपने जैसे देखा है कि क्या मामला है, ऐसा क्या वंचित लोग हैं इससे ग्रामीण अभी? नहीं, ये मेन होता ये है कि बहुत से अमूमन लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग अपनी आँख को लेके बिल्कुल भी सतर्क नहीं होते और उनको आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, वो जाते नहीं है, दिखाते नहीं है, खास करके गांव की औरतें जो लोग चश्मा लगाना बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य ये भी है कि लोग गांव-गांव में हम जाएं, लोगों को ये चीज़ बताएं कि भाई आपकी आँखों में ये समस्या है, उनका फ्री इलाज करें। अगर वो फ्री करेंगे तो वहाँ पर वो आएँगे और उनको उनकी अपनी आँख के बारे में पता होना चाहिए कि उनको आँख में क्या समस्या है, और जब समस्या होगी तभी आदमी उस चीज़ का इलाज कराएगा। तो ग्रामीणों से यहाँ पर क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामीणों से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके गांव में कैंप वगैरह लगता है तो आप उसमें जाएं और उस चीज़ का लाभ उठाएं, वो आपके फायदे के लिए लगाया गया है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपका फायदा ही होगा। इस कैंप में कितने लोग आए हैं अभी तक के? यहाँ पे 80-90 लोग आ चुके हैं और अभी भी कैंप चल रहा है, तो आने की उम्मीद है कि और 100 के ऊपर यहाँ पे लोग। आपके साथ में कितने कर्मचारी लोग हमारे साथ में? 2 लोग हैं अभी, एक धीरज श्रीवास्तव हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और मैं इस शेख फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ यूपी सेंटर लखनऊ का, और ये हमारी फाउंडेशन बड़े ही लेवल पे काम कर रही है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस कैंप में जहाँ भी लगे तो हमारे कैंप में आएँ और लोग अपना फ़ायदा उठाएँ।